नाज़रीन, यमन से बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि यमन ने अपने जंगजुओं को गजा भेजने का ऐलान कर दिया है। एक स्पेशल ब्रिगेड बनाई गई है जो कि खसूसी तौर पर फलस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ने जा रही है। वो अहम तरीन तफसीलात आपके साथ आगाह करेंगे। फिर गजा से बड़ी अहम तरीन तफसीलात आज बरोज़ हफ्ता सामने आई है कि किस तरह घात लगाकर नए हमले किए गए हैं और इसराइली फौजियों को मौत के घाट उतारा गया है। वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर नाज़रीन, ईरान और इराक का बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है। ईरान इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट को इकट्ठा कर रहा है के खिलाफ, तो ये कितना बड़ा मुआहदा है और ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा ये भी आपको बताएंगे। फिर आखिर में नाज़रीन, नेतन्याहू एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। नेतन्याहू चलाकी में फंस गया है, ठीक है ना, और अब यूरोप पूरा जोर लगाएगा जंगबंदी के लिए। नेतन्याहू ने एक ऐसा काम कर दिया, एक ऐसी गलती कर दी है, और मिस्र ने चूंकि उसके सामने बिकने से इनकार किया तो इसलिए नेतन्याहू जो है वो ट्रैप हो गया। तो ये अहम तरीन तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आपको यमन में लिए चलते हैं और यमन से हमारे पास बहुत बड़ी खबर है। एक तरफ यमन मुसलसल हमले जारी रखे हुए है, रेड सी का महाज उसने संभाला हुआ है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान इस वक्त इसराइल और उसके इत्तेहादियों को उठाना पड़ रहा है। उनकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो तबाह बर्बाद होने जा रही हैं, डिफॉल्ट होने जा रही है, क्योंकि नुकसान इतना ज्यादा हो रहा है कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। फिर अमेरिका ने प्रॉस्पेरिटी गार्डियन शुरू किया लेकिन वो भी फेल हो गया, कुछ काम नहीं कर सका। पहले घंटे में ही अमेरिका का ऑपरेशन जो है यमन के खिलाफ वो फेल हो गया। ना ही वो रेड सी का महासरा खुलवा सका है, ना ही वो ये रूट क्लियर करवा सका है, ना ही इसराइल को तो छोड़ देना, वो अपने जहाज यहां से नहीं गुजरवा पा रहा, उसके जहाज भी घूम के जा रहे हैं, तो उसको ये इकोनॉमिक लॉस जो है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लेकिन वो करे तो करे क्या, यूरोप उसका साथ छोड़ गया जो सबसे बड़ा इत्तेहादी था, और वैसे भी अमेरिका जो है वो नेवी के लिहाज से अगर आप कहें तो यूरोप को उसको उस पर बढ़तरी हासिल है। ये अमेरिका पूरी दुनिया में जो कंट्रोल करता है ना नेवीज के जरिए, वो यूरोपियन नेवीज है, यूरोपियन नेवीज को बेहतर तस्वीर किया जाता है। लेकिन जब वही साथ छोड़ गया सबसे क्रूशल मोमेंट में, तो अमेरिका अकेले ये जंग लड़ने की सलाहियत नहीं रखता। सो वहां पर वो जलीलो खार भी हुआ है और उसका जो ऑपरेशन है वो भी फेल हुआ है। अच्छा, अब यहां पर नाज़रीन यमन की जानिब से एक और कदम सामने आया है। यमन ने सिर्फ उस चीज पर इक्तफा नहीं किया कि ठीक है हमारा फर्ज पूरा हो गया जनाब, हमने यहां से मुहासरा कर लिया, नहीं, यमन यहां पर नहीं रुका। अब उसने एक नया ऐलान कर दिया, नई तैयारी कर दिया जो कि इसराइल के लिए अब सबसे बड़ा मसला बन गया है। यमन ने नाज़रीन ऐलान यह किया है कि उसने एक स्पेशल अल अक्सा ब्रिगेड बना ली है, और ये अल अक्सा ब्रिगेड अब वो गजा और फलस्तीन के लिए रवाना कर रहा है, जो फलस्तीन की आजादी के लिए वहां पर जाकर लड़ेगी। पहले मैं आपके सामने बयान रख देता हूं, ये आप देखिए, वी डिक्लेयर आर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन ऑफ मोबिलाइजेशन ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ अल अक्सा पॉपुलर ब्रिगेड, ठीक हो गया जी। फिर दूसरा बयान देखिए, यमन के हौसियों ने ऐलान किया है कि उन्होंने गजा में फौजी भेजने के लिए आम मुतहरिक कर दिया है, ठीक है ना। अब इसमें एक अहम चीज आप ये समझें कि इससे पहले भी हमने भी आपको खबर दी थी कि यमन जो है वो अपने जंगजू भेज रहा है गजा के लिए, ठीक है। अब उसमें 10,000 से ज्यादा जो नए नए ग्रेजुएट हुए थे उनको स्पेशली इसके लिए भेजा गया था, और वो सऊदी अरब के बॉर्डर पर पहुंचे थे, और सऊदी अरब से ये इजाजत मांगी गई थी कि आप हमें रास्ता दें इसराइल तक जाने के लिए, क्योंकि यमन का तो बॉर्डर नहीं लगता। तो उन्होंने इसको कहा था सऊदी अरब को कि सऊदी अरब रास्ता दे एंड देन जॉर्डन रास्ता दे, तो हम इसराइल में जाकर उसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन सऊदी अरब ने वो रास्ता नहीं दिया, गालबन 3 दिन तक वो इंतजार करते रहे, लेकिन फिर वो वहां से वापस पलटे और दूसरे रास्तों से होते हुए इराक से गुजरते हुए शाम और लबनान के बॉर्डर पर उन्होंने जाकर बसेरा किया, ठीक है ना। वहां पर वो जाकर पहुंचे और वहां पर उन्होंने शिरकत की। कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि चूंकि सुरंगें हैं और सुरंगें दूसरी तरफ दूसरे मुल्कों में खुलती है, मिस्र में खासतौर पर, तो जो लबनान के जंगजू हैं और यमन के जंगजू, वो इन सुरंगों के जरिए भी गजा में पहुंचे हैं, ये अंदर की बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। लेकिन बहरहाल यमन के जंगजू गए, लेकिन फिर उस दौरान क्या हुआ कि आपको पता है रेड सी का महाज ज्यादा गर्म हो गया। अमरीका ने ऐलान कर दिया कि वो यमन पर हमला करने वाला है, 10 मुल्कों के इतिहाद का ऐलान हो गया। तो फिर यमन ने उन जंगजुओं को वापस बुला लिया कि यहाँ पर अब जंग जो है वो प्राइमरी जंग तो यहाँ पर छेड़ने वाली है, तो वहाँ की बजाय वापस उनको इधर यमन में बुलाया गया। तो अब उन्होंने इंतजार किया, यहाँ पर उन्होंने मोर्चे संभाले, लेकिन हुआ क्या कि अमेरिकी ऑपरेशन तो फेल हो गया, और अब जो है वो अमेरिका कब हमला करेगा, वो अकेला क्या करेगा, यह तो हमें नजर आ रहा है कि सूरत हाल किस तरह से बन रही है। बेशक यहाँ एक क्रिटिकल सिचुएशन है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन यमन ने कहा कि हम अब इसका इंतजार में बैठे तो नहीं रह सकते कि हम अमेरिका का इंतजार करते रहे कि वो कब हमला करेगा। तो उन्होंने दोबारा
से एक नई स्पेशल ब्रिगेड बनाई है जो कि स्पेशली वहां पर जाकर लड़ेगी, उनको वापस नहीं बुलाया जाएगा। अगर बेशक यहां पर जंग शुरू भी हो जाती है तो उनको वापस नहीं बुलाया जाएगा। ये स्पेशल अल अक्सा ब्रिगेड है और इनको जनाब अब वहां पर भेजा जा रहा है। खास तौर पर जिस तरह अब हिजबुल्ला के साथ जंग का बहुत बड़ा खतरा है, किसी भी लम्हे ये बड़ी जंग छिड़ सकती है, सो इन जंगजुओं को वहां शाम और लबनान के बॉर्डर पर भेजा जाएगा। और अगर कोई मौका मिलता है तो वो गजा की सुरंगों में भी जाएंगे, अगर कोई ऐसी सुरंग है जिसके जरिए वो जा सके। देखे ना कि असलिया तो इसराइल कह रहा है कि उनके पास कहां से आ रहा है, तो इसका मैं अगर असलिया के सप्लाई लाइन है तो फिर लोगों के भी होगी, तो फिर वहां से जो बाकी जंगजू हैं वो भी दाखिल हो सकते हैं। और मैं इंडियन मीडिया की अगर रिपोर्ट्स आपके सामने रखूं तो वो ये रिपोर्ट कर चुके हैं कि लेबनानी और इराकी और ये यमनी जंगजू जो हैं इनके फाइटर्स वहां पर पहुंचे सुरंगों में, गजा की सुरंगों में ये पहुंचे हैं, ये इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स हैं। बहरहाल वो वहां पर पहुंचे ना पहुंचे लेकिन वो लड़ने के लिए रवाना हो रहे हैं और इसका यमन ने ऐलान कर दिया है। अब नाज़रीन आपको गजा जंग में लिए चलते हैं और गजा से हमारे पास बहुत बड़ी खबरें इस वक्त आ चुकी है। कई नए हमले किए गए हैं, आज बरोज हफ्ता इसराइली फौजियों को मौत के घाट उतारा गया है। आज भी इसराइली फौजियों के साथ वही हो रही है जो 85 डेज तक होती रही है, ठीक है ना। वहां पर भागने पर वो मजबूर हुए, घात लगाकर हमले हुए, उनकी दर्जनों हलाकते सिर्फ अभी दिन खत्म नहीं हुआ लेकिन उसके बावजूद हो चुकी है। आपके सामने एक एक करके जो 4-5 मेगा ऑपरेशन है उनकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। या देखिए मज़ामती तहरीक खुद यह बयान कर रही है कि आर फाइटर्स कैरिड आउट एन एम्बुश ईस्ट ऑफ अल तुफा नेबरहुड डिस्ट्रॉइंग आर ट्रूप कैरियर एंड किलिंग 10 सोल्जर्स फ्रॉम पॉइंट जीरो। उन्होंने ट्रूप कैरियर को तबाह किया और उसमें से जो फौजी बच गए उनको फिर पॉइंट जीरो पर यानी उनके बिल्कुल करीब जाकर उनके ऊपर खड़े होकर उनको गोलियों से बंदूकों से जाकर उनको हलाक किया। तो ये जो पॉइंट जीरो वाला है ना, ये पहले भी आपको बता चुके हैं, ये बहुत हैरान कुन है। आज की जंग में इसका कोई तस्वुर नहीं है कि भाई जहाँ पर फिजाइया है, आपके पास लेटेस्ट राइफल्स हैं, बंदूकें हैं, तो आप दूर से बैठकर निशाना लगाते हैं, ऐसा कैसे होता है? ये कोई तलवारों की जंग थोड़ी है कि आपको उसके पास ही जाकर उसको मारना पड़ता है। लेकिन मज़ामती तहरीक ने ये बहादुरी की मिसालें भी कायम की हैं। इसके अलावा आप एक और बयान देखिए, वी आर इंगेज इन फिरक क्लैशेज इन खान यूनिस एंड वी किल्ड एंड वाउंडेड 8 ऑक्यूपेशन सोल्जर्स इन अ टाइट एम्बुश। अब ये खान यूनिस का वो बता रहा है साउथ में कि वहाँ पर हमारे फिर एक क्लैशेज हुए हैं और उन क्लैशेज के बाद हमने उनके 8 फौजियों को मारा है। अब देखे ना, फिर एक क्लैशेज के बाद उनको मारना, ये कोई यानी वो भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं और वो हर तरह का ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप उन पर गालिब आए। और आप इन रिपोर्ट्स पर आंखें बंद करके यूं एतबार कर सकते हैं कि आज तक 86 डेज ऑफ वॉर हो चुके हैं, आज तक इसराइल ने एक भी वीडियो पेश नहीं की, एक भी वीडियो जिसमें मज़ामती तहरीक को वो शहीद कर रही हो या उनका कोई फाइटर पकड़ा हो, एक भी वीडियो। और मज़ामती तहरीक रोजाना दर्जनों वीडियोस पेश करती है जिसमें से वाज़े देखा जा सकता है कि भाई वो इसराइली फौजी है और उसको हला किया, वो टैंक है उसको उड़ाया, वो मिलिट्री व्हीकल है उसको उड़ाया, प्रूफ बिल्कुल वीडियो सबूत मौजूद है, लेकिन वो आज तक एक भी वीडियो सबूत नहीं दे सके, ठीक है। तो इसलिए आज पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो मज़ामती तहरीक के इन सारे बयानात पर, तमाम चीज़ों पर वो आंखें बंद के एतबार कर रहा है और तमाम चीज़ों को एज इट इज चला रहा है जैसे मज़ामती तहरीक उनको बयान करती है। अब जरा आगे चलिए, जो अगला एक हमला हुआ है मरकेवा टैंक्स को नाज़रीन निशाना बनाया गया है। इसराइली मरकेवा टैंक्स वर ब्लोन अप विद द शहबाज डिवाइस नॉर्थ ऑफ द ब्रिज रेफ्यूजी कैंप इन सेंट्रल गाजा स्ट्रिप। अब आप ये आप इससे आपको पूरा गजा की जो सूरत है यानी साउथ का बता दिया, सेंटर का बता दिया, पूरे गजा में जगह जगह पर ये क्लैशेज जारी हैं, जगह जगह पर मज़ामती तहरीक अपने आप को और अपने मुकद्दस वतन को डिफेंड कर रही है और कहीं पर भी इनको पेनिट्रेट नहीं होने दे रही। फिर अगला हमला आप देखिए कि इसराइली ट्रूप कैरियर वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड नॉर्थ ऑफ द ब्रिज रेफ्यूजी कैंप इन सेंट्रल गाजा विद अल यासीन मिसाइल 105। अब शुरू में भी मैंने आपको एक ट्रूप कैरियर का बताया लेकिन वो और इलाका था, ये जनाब ब्रिज और सेंटर का ये इलाका है जहां पर इस ट्रूप कैरियर को उड़ाया गया। तो एक ट्रूप कैरियर में कम से कम 10-15 फौजी मौजूद होते हैं, तो उस ट्रूप कैरियर को उड़ाने का मतलब है कि आपने एक हमले में 10-15 फौजियों को उड़ा दिया। अच्छा, फिर नाज़रीन आपके सामने एक अहम तरीन बयान रखने जा रहा हूँ कि वो किस तरह से अपनी शिकस्त को महसूस कर रहे हैं और सामने देख रहे हैं। या आप उनका बयान देखिए, द आर्मी इज अपसेट दैट द पॉलिटिकल लेवल इज नॉट येट डिटरमाइंड गोल्स फॉर कंटिन्यूइंग फाइटिंग इन गाजा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो उनका मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि हमारी आर्मी जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि जो पॉलिटिकल लेवल पर जो क्लियर गोल्स हैं वो नहीं बताए जा रहे, पॉलिटिकल लेवल पर कोई फैसला नहीं हुआ कि हमने इस जंग का करना क्या है। यानी आप जंग शुरू करते हैं तो आपका एक एंड गेम होता है ना कि आखिर में हमने हदफ क्या हासिल करना है, तो
तो पॉलिटिकल लेवल पर कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देखें ना कि इसी वजह से रोजाना नेतन्याहू का एक दिन एक बयान आता है, दूसरे दिन दूसरा आता है। बाइडन जो है वो रोजाना नेतन्याहू को फोन करके हर दूसरे चौथे दिन उसको प्रेशराइज कर रहा है, ये करो ये ना करो। अब जैसे उसने पैलेस्टाइन के गजा के टैक्स रोके हुए थे, जो फंड्स उनको मिलते हैं वो रोके हुए थे, और कल बाइडन ने कॉल की और उसके लिए लैंग्वेज क्या इस्तेमाल की, टाइम्स ऑफ इसराइल ये कह रहा है कि इनफ फ्रस्ट्रेटिंग कॉल, यानी बकायदा डांटा बाइडन ने नेतन्याहू को कि उनके उनके पैसे क्यों रोके हुए, उनको पैसे दो, ठीक है ना। तो नेतन्याहू जो है वो वहां पर जो है सर्कस लगी हुई है, उनका मीडिया खुद कह रहा है कि हमारे इडियट बैठे हुए मस्खरे वहां पर बैठे हुए, एक सर्कस चल रही है, यानी पब्लिक का प्रेशर और बगावत अलग से। आर्मी यानी आर्मी सोल्जर नेतन्याहू से नहीं मिलना चाहते, जो जख्मी होकर आते हैं नेतन्याहू उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं हमने नहीं मिलना, ठीक है। फैमिलीज उसके खिलाफ इतना बड़ा मुजाहरे कर रही हैं, कई जगहों पर उन्होंने धरने दे रखे हैं। डिफेंस मिनिस्टर और मुसाद चीफ की वो कहता है आपस में ये दोनों मुलाकात ना करें, वो कह रहा है कि ये दोनों यानी डिफेंस मिनिस्टर और मुसाद चीफ ये वन ऑन वन मीटिंग ना करें। ये मतलब ये आप जंग कैसे जीत सकते हैं भाई, इस तरह से जंगे जीते जाते, इस तरह तो क्रिकेट का मैच नहीं जीता जाता, और आप जंग जीतने की बात कर रहे हैं। तो ये इस वक्त सर्कस चली हुई और उनको कुछ समझ नहीं आ रही। बहरहाल अब आगे आपको चलते हैं ईरान और इराक के हवाले से, जो बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है, जो गेम चेंजर साबित होगा इस पूरी जंग में और मिडिल ईस्ट के हवाले से। नाज़रीन ईरान क्या कर रहा है और खास तौर पे इस जंग ने इंपैक्ट डाला है कि पूरे मिडिल ईस्ट को इकट्ठा कर रहा है, पूरा मिडिल ईस्ट अब बजाते खुद ये सोच रहा है कि हमें इकट्ठा होना चाहिए। पहले आप ये बयान देखिए कि ये कितना बड़ा अमल हो गया है कि अब मेजर सेटबैक फॉर अमेरिकन कंट्रोल ओवर इराक नेचुरल रिसोर्सेज, ईरान हैज एग्रीड टू हेल्प इराक बिल्ड इट्स रिफाइनरीज एंड द टू कंट्रीज विल इन्वेस्ट इन ज्वाइंट गैस एंड ऑयल फील्ड्स, ठीक है ना। अब ये बहुत बड़ी बात है कि ईरान जो है वो इराक की जो गैस और ऑयल की रिफाइनरीज है उनको दोबारा से रिबिल्ड करेगा, और इससे इराक जो है वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाएगा, वो अपने पैरों पर खड़ा होगा, उसकी मईशत बेहतर होगी। और जो अमेरिका यहां से नेचुरल गैस और तेल और पता नहीं क्या क्या चीजें निकाल कर यहां से ले, यहां की दौलत लूट लूट कर वो यहां से 20 सालों से वो इराक की दौलत लूट रहा है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब ये जो सियाह दौर है, ये जो जुल्म का दौर है, ये इख्तिताम होने को आया है। और इससे पहले अगर आप देखें तो ईरान और शाम में भी मुआहदा हो चुका है, ईरान ने कहा कि हम तुम्हारी जो रिफाइनरीज हैं उनको भी बिल्ड करेंगे, तो ये सीधा सीधा अमेरिका के लिए थ्रेट है। लेकिन इस जंग ने तमाम मिडिल ईस्ट के ममालिक को ये सोचने पर मजबूर किया कि हम एक दूसरे के साथ क्यों लड़ रहे हैं, हमारे इख्तलाफात ही क्या हैं, यानी बाहर से आकर वो हमारी तबाही और बर्बादी कर रहे हैं। यानी आज अरबों की कितनी के वक्त दुनिया के सामने आई है कि अरब इतने जोगे भी नहीं है कि वो पानी की एक बूंद भी गजा के अंदर भेज सके। अच्छा ये आप जेन से निकाल दें कि सऊदी अरब नहीं चाहता या यूएई नहीं चाहता या कोई दूसरा नहीं चाहता, देखें उनके इंटरेस्ट कुछ और हो सकते हैं, लेकिन क्या वो ये भी नहीं चाहते कि अंदर पानी की एक बूंद भी ना जाए, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। वो सब चाहते हैं कि यहाँ पर जगबंदी हो, यहाँ पर खुराक अंदर जाए, पानी अंदर जाए, और वो उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ ये तमाम मुल्क इसके लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी वक़्त इतनी भी साबित नहीं हो सकी, वो इतना भी प्रेशराइज नहीं कर सके कि पानी की एक बूंद वो अंदर भेज सके। पूरी दुनिया का ऑयल मिडिल ईस्ट से जा रहा है, लेकिन वो एक लीटर पेट्रोल वो अंदर नहीं भेज सके कि ईंधन अंदर नहीं भेज सके कि भाई सर्दियों का मौसम है, हॉस्पिटल बंद हो गए, एनर्जी वहां पर बिजली वहां पर है नहीं, इतनी भी इनकी वक़्त साबित नहीं हुई। तो इस चीज ने इन तमाम मुल्कों को सोचने पर मजबूर किया है कि भाई हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, इतनी दहाइयों से लड़े जा रहे हैं और बाकी हमारा फायदा उठा रहे हैं। फिर आप ईरान की आप इसमें स्ट्रेटजी देखिए कि 40 साल उसके इख्तलाफात थे मिस्र के साथ, और ईरान ने खुद फोन किया मिस्री सदर को, हमें इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। सऊदी अरब के साथ उन्होंने ताल्लुकात बेहतर किए। फिर जो मुल्क जैसे लेबनान, सीरिया, इराक और यमन जो ईरान के इन्फ्लुएंस में है, उनकी तो प्रॉस्पेरिटी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी खुशहाली के लिए ईरान पूरा जोर लगा रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है कि उनको अपने पांव पर खड़ा किया जाए, क्योंकि ईरान को समझ आ गई है कि अगर खास तौर पर इराक और शाम ये अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो ये मिडल ईस्ट की पूरी तकदीर बदल सकता है। ठीक है, ये पूरे देखना शाम कितना इंपॉर्टेंट कंट्री है, यानी दुनिया में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको, दुनिया में जो सबसे पुरानी तहजीब है वो शाम में पाई जाती है, यानी अगर दुनिया में तहजीब का आगाज शाम से हुआ था, ये इतना इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो उसका हशर आपने क्या कर दिया, आपने कितने मुकद्दसात जो मजार हैं उन पर बम गिराए हैं, उसको कोई पूछने वाला है, आप उनके ज़खायर लूट कर ले गए। तो इस चीज ने एक फायदा तो ये किया है कि मिडल ईस्ट को इकट्ठा कर दिया, मिडल ईस्ट को समझ आ गई है। और ये आप फिर ईरान का एक और बयान देखिए, कमांडर ऑफ द कुदस फोर्स इन द रेवोल्यूशनरी गार्ड द ज़ायनिस्ट एंटिटी एंड इट्स सक्सेसर्स, अमेरिका हैव फेल्ड टू अचीव एनी मिलिट्री अचीवमेंट सिंस द स्टार्ट ऑफ वॉर, वो कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो पूरी तरह से इस जंग में फेल हुआ है। अच्छा ये ईरान और उसकी सारी स्ट्रेटजी थी, अब मैं आपके सामने नेतन्याहू और जो वो बड़ी गलती कर बैठा है, अपनी चलाकी में वो फंस गया है, वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले आपके
सामने वो बयान रखता हूँ कि नेतन्याहू ने गलती क्या की है। नाज़रीन, नेतन्याहू सेज वेस्टर्न कंट्रीज मस्ट एब्जॉर्ब पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी, ये इतनी बड़ी चीज़ है, मैं आपके साथ आज आप मेरा ये बयान रिकॉर्ड करके रख लें। इस बयान के बाद जो नेतन्याहू ने गलती की है, पूरा जोर लगाएगा यूरोप, पूरा जोर लगाएगा जंग बंदी के लिए, और आगे आने वाले चंद दिनों में आपको जंग बंदी के लिए पूरा, आप मुझे लगता है कि जंग बंदी हो जाएगी इस अमल के बाद। और भी बहुत सारे अमल है, सारी बातें एक चीज के लिए एक अमल तो नहीं होता, बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो रही थी, लेकिन जहां बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो रही होती है वो फिर एक ऐसी चीज आती है कि वो सबको सपोर्ट करती है और उस अमल को, उस टारगेट को अचीव करने में। तो ये वो वाली जो इग्नाइट करती है, जो उसके लिए फ्यूल साबित होती है। तो ये वाला जो अमल है ना, ये इतना बड़ा अमल है कि यूरोप इसके बाद ना इसराइल की मदद करने वाला है और वो टिल लगाएगा अब जंग बंदी के लिए। उसकी वजह क्या है? आप देखें कि जंग तुम कर रहे हो, तबाही तुम लेकर आ रहे हो, और जो मुहाजर है वो यूरोप कबूल करे, मैं उनके एंगल से बता रहा हूँ, सही गलत को छोड़ दे, तो वो क्यों कबूल करे? यानी वतन फलस्तीनियों का है, तुम उनको निकाल कर यूरोप के हवाले करो। फिर अगली बात समझिए कि आपने आज तक यूरोप को और वहां के आवाम को क्या बताया कि फलस्तीनी दहशतगर्द है, ये बताया ना यूरोप के लोगों को? तो आज तुम कह रहे हो कि ये दहशतगर्द तुम नहीं रख सकते, और यूरोप को कह रहे हो कि तुम ले लो। यानी ये कितनी मुज़ेका खेज बात है कि 75 साल आप जिनको दहशतगर्द कहते रहे, आज यूरोप को कह रहे हो कि वो दहशतगर्द तुम अपने पास रख लो, तो ये कैसे हो सकता है? तो यूरोप को इसके बाद, इस अमल के बाद, और उनकी हुकूमतों को, अवाम तो पहले ही खिलाफ है ना, अवाम तो पहले ही उनके सामने हकीकत खुल गई है कि इसराइल की हकीकत क्या है, और जो जालिम है वो इसराइल है और मजलूम फलस्तीनी है, इसलिए वो फलस्तीनियों के साथ खड़े हो रहे। लेकिन हुकूमतों को समझ आ गई है कि भाई ये बहरान जितना बढ़ेगा उसका नुकसान अमेरिका को नहीं होगा, उसका सबसे ज्यादा नुकसान यूरोप को होगा। एक तो इमिग्रेशन की सूरत में, यहां से इमिग्रेशन होनी होनी है, क्योंकि ये जंग इसराइल की जंग तो नहीं रहेगी, ये मिडिल ईस्ट की जंग बनेगी, मिडिल ईस्ट से फिर अफ्रीका पे ये दाखिल हो सकती है, तो फिर ये यहां से सारी जो इमिग्रेशन होगी वो यूरोप में होगी। यूरोप का सबसे पहले सबसे बड़ा मसला वो इमिग्रेशन है, ठीक है? तो अब उनकी हुकूमतें टिल लगाएंगी कि भाई ये मसला खत्म हो, कि एक तरफ ये इमिग्रेशन का इशू आएगा, दूसरा इकोनॉमिक लॉस, जो यमन ने रस्ता बंद कर रखा है, सबसे ज्यादा नुकसान यूरोप को हो रहा है, ठीक है? तो अब ये मामला जो है ना बहुत खराब हो गया। और इससे एक चीज और समझे कि इसका मतलब मिस्र और जॉर्डन ने बिकने से इनकार कर दिया, क्योंकि पहले ये कोशिश थी ना कि मिस्र और जॉर्डन जो है रेफ्यूजीज को अपने मुल्क में रखें, लेकिन मिस्र ने बिकने से इनकार किया जॉर्डन ने, तो इसलिए अब ये मजबूर हुआ है नेतन्याहू कि इनको हम वेस्ट में भेज दें। यानी मिडिल ईस्ट में कोई लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये अब यहां से निकल गए तो फिर दोबारा इनको वतन नहीं मिल सकता। इससे पहले लाखों लाखों फलस्तीनी जो है वो मुहाजर हैं लबनान में, जॉर्डन में और मिस्र में। तो मिडिल ईस्ट को ये पता है कि अगर अब ये निकल गए, फलस्तीनियों को भी पता है कि हम वापस नहीं आ सकेंगे, तो अब ये वेस्ट को मजबूर कर रहा है, लेकिन वेस्ट ये करने वाला नहीं है। तो ये बहुत बड़ी गलती इस वक्त नेतन्याहू कर बैठा है, और उम्मीद करते हैं कि अब यूरोप की हुकूमतों को समझ आएगी, कुछ अकल के, कुछ होश के नाखून ये लेंगे, कुछ अकल करेंगे कि भाई इस जंग से तुम्हें नुकसान हो रहा है। मैं आपको बताऊं, इस जंग का जो सबसे बड़ा लूजर है ना, वो एक तो इंसानियत और उसके बाद यूरोप है, क्योंकि यूरोप ही कहता है कि हम सबसे, इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी तहजीब है वो यूरोपियन है। जनाब, यूरोप की तहजीब जो है वो दुनिया पर हुक्मरानी कर रही है, यूरोप की तहजीब को दुनिया को अपनाना चाहिए, जो नहीं भी अपनाते। आप रशिया और चाइना के खिलाफ भी यही आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हमारी तहजीब को अपनाओ, ठीक है ना, ये सबसे बाला तर जो तहजीब है वो हमारी है, तो ये तुम्हारी तहजीब है। आज दुनिया को पता चल गया कि तुम्हारा असल चेहरा क्या है, ठीक है? हालांकि आप इनके मुल्कों में जाएं तो वहां पर वाकईतन ह्यूमन राइट्स और बड़ी, मतलब शानदार ये मुल्क है सारे यूरोपियन के, और लॉ है वहां पर, कानून की हुक्मरानी है, इंसानियत की कदर की जाती है, इंसानियत तो क्या जानवरों की कदर वहां पर की जाती है, ये हकीकत है, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन एज अ होल आपने दुनिया को अब क्या दिया है? इससे पहले दुनिया आपकी मोतरफ रही है, अब देख रहे हैं कि यहाँ से सबका रुझान किस तरफ है, वेस्ट की तरफ है ना, हम सारे, हमारी कोशिश होती है कि हम वेस्ट में जाएं, यूरोप में जाएं, ठीक है? लेकिन आज आप दुनिया को क्या दे रहे हैं? आज आपका चेहरा दुनिया के सामने क्या सामने आया है? तो सबसे बड़े लूजर तो आप हैं। ये आज उनकी हुकूमतों को समझ आ रही है कि हमारी तहजीब भी गई, हम अब किस मुंह से ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे? जब आज देखे ना कि यूक्रेन पर बमबारी कल किया है रशिया ने, तो बड़ा हंगामा मचा हुआ है यूरोप से लेकर अमेरिका तक, लेकिन कौन सुनेगा आपकी इन बातों को? कौन सुनेगा? वहां पर भी लोग, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि भाई यूक्रेन की जगह पे आप इसराइल लिखे, यानी रशिया की जगह पर अगर आप कहते हैं कि रशिया जुल्म कर रहा है तो उसको जरा रिप्लेस करके वहां पर इसराइल भी लिखे कि इसराइल भी जुल्म कर रहा है गजा पर, उधर आप नहीं लिखते और इधर लिखते हैं, तो दुनिया आपकी मानेगी। आज आपकी मुनाफकत दुनिया के सामने आ गई है, तो यूरोप की हुकूमतों को अब ये होश के नाखून लेने चाहिए और इसको फिल फॉर जंग बंदी करवानी चाहिए, वगरना पीछे जो रही सही कसर है ना वो भी निकल जानी है। तो ये नजर आम तरीन और ताजा तरीन हकायक थे जो कि आपके सामने शेयर किए। आप अपनी राय जरूर अगा करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।